इस बार लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 आने वाली है और इस लोकसभा चुनाव में कौन जीत सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। चलिए आज हम इस पर विचार करते हैं और ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं कि किसे कितनी सीटें और कहां से मिलने वाली है। बीजेपी इस बार दावा कर रही है यानी कि अब की बार 400 पार की, तो क्या हो सकती है ओपिनियन पोल, क्या सच में कांग्रेस रगमगा सकती है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाली है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा लोकसभा सीट यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 77 सीटें पर एनडीए का कब्जा हो सकती है। वहीं इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती है और बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी के भी खाते में 1 सीटें जाने की उम्मीद बताई जा रही है। चले अब दूसरा यानी कि बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, 40 सीटें में एनडीए के खाते में 38 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, यानी कि यहां भी बीजेपी बाजी मार सकती है। चलिए अब तीसरी राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कुल 29 सीटें हैं, यहां बीजेपी और कांग्रेस की क्या हालत है चले जानते हैं। यहां पर भी बीजेपी 28 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 1 सीट आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि अब बात करें तो राजस्थान की, राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जहां 25 पर 25 यानी कि एनडीए नरेंद्र मोदी के खाते में जा सकती है, यहां पर भी बीजेपी बाजी मार सकती है। चले अब उत्तराखंड की बात करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को 5 सीटें मिल सकती है और वहां कांग्रेस का यानी कि वहां इंडिया गठबंधन का एक भी खाता खुलता नहीं दिखाई दे रही है। चले अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जहां पर एनडीए के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। वहीं तृणमूल यानी कि ममता दीदी के खाते में 17 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें, यानी कि यहां उम्मीद जताई जा रही है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ सकती है। चले अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, 11 सीटें में एनडीए के खाते में 10 सीटें जा सकती है और यहां कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि यहां भी बीजेपी बाजी मार सकती है। अब चले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, जहां पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 12 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं और 26 में से 2600 सीट पर नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। चले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, जहां पर 41 सीटों पर एनडीए की जीत दर्ज हो सकती है और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, जहां एनडीए के खाते में 10 का 200 सीटें जाने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब के कुल 13 सीटें हैं, जहां पर आईएनसी के साथ एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और एसएडी यानी कि 2 और आपके खाते में 1 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 4 सीटें हैं, वहां 4 का 4 सीटें यानी कि बीजेपी के खाते में जाने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगती है कि कौन जीत सकता है इस बार चुनाव, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई जा रही है, आप खुद कमेंट में जरूर बताएं। चले दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।